और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है गुना से, जहां हथियारों की तस्करी करते अंतरराज्यीय आरोपियों को पकड़ा गया। गुना जिले की म्यामना पुलिस की कार्रवाई की गई। तस्करों में इंडिया प्रो कबड्डी प्रतियोगिता का खिलाड़ी भी शामिल है। हथियारों की तस्करी करते हुए खिलाड़ी रिंकू जाट पकड़ा गया। प्रो कबड्डी प्रतियोगिता में दिल्ली दबंग की टीम से रिंकू खेलता है। पुलिस ने 4 आरोपियों से घातक हथियार बरामद किए हैं। तस्करों से बरामद 5 पिस्तल और मैगजीन भी की गई है। कार में सवार होकर गुना से शिवपुरी की ओर तस्कर जा रहे थे। आरोपी महेंद्र रावत को 2019 में ग्वालियर क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया था। जमानत पर छूटने के बाद सफेद पोशों के साथ फिर कारोबार शुरू किया गया था। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर गुना से, जहां हथियारों की तस्करी करते हुए अंतरराज्यीय आरोपियों को पकड़ा गया है। गुना जिले की म्यामना पुलिस की बड़ी कार्रवाई की गई है। तस्करों में इंडिया प्रो कबड्डी प्रतियोगिता का खिलाड़ी भी शामिल है। हथियारों की तस्करी करते हुए खिलाड़ी रिंकू जाट पकड़ा गया है। प्रो कबड्डी प्रतियोगिता में रिंकू दिल्ली दबंग की टीम से खेलता है। पुलिस ने 4 आरोपियों से घातक हथियार बरामद किए हैं। तस्करों से 5 पिस्टल और मैगजीन बरामद की गई है। कार में सवार होकर गुना से शिवपुरी की ओर तस्कर जा रहे थे। आरोपी महेंद्र रावत को 2019 में ग्वालियर क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया था। जमानत पर छूटने के बाद सफेद पोशों के साथ फिर कारोबार शुरू किया गया।